गुड मॉर्निंग, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो फिर रात में मैं बहुत मुश्किल से सोई हूँ, क्योंकि अवनी को मैंने बहुत ज़्यादा गर्म कपड़े पहना दिए थे, जिसकी वजह से उसके रैशेस हो गए हैं और वो भी नहीं सोई है, तो वो अब सो रही है। फिर मैंने सोचा है कि आज मैं करूँगी पूजा, मंदिर अपना पूजा का साफ, क्योंकि बहुत ही टाइम हो गया है, बहुत ही ज़्यादा गंदा हो रहा है, क्योंकि हमने स्टोर में ही मंदिर बना रखा है, तो यहाँ विंडो की वजह से काफ़ी डस्ट आ जाती है जल्दी जल्दी। तो आज मैं करूँगी अपना मंदिर, फिर नहा धो के मैं पूजा करूँगी। इतने में अवनी उठ जाती है, तो मैं उसका दूध रख दिया है बॉयल होने के लिए, तो जब बॉयल हो जाएगा तो फिर मैं दूध वाले भैया अभी तक आए नहीं हैं, मैं उनका वेट कर रही हूँ। तो चलिए मंदिर साफ करते हैं, इतने मेरे आलू हो जाएंगे। मेरा मंदिर हो गया है एकदम साफ सुथरा। तो गाइस 11:30 बज गए हैं, पर अवनी अभी उठी नहीं है, मेरा पूजा का आला भी साफ हो चुका है, तो मैं सोच रही हूँ जो गाइस आज मैं बना रही हूँ मटर पनीर। तो फिर ये मैंने तो मैं घर के दूध का ही बनाऊंगी पनीर, और मैंने ये 1.5 किलो दूध रख दिया है गैस पे थोड़ा बॉयल होने के लिए। बॉयल होगा फिर मैं इसे फाड़ के पनीर बनाऊंगी, तो देखते हैं, लेट्स सी। तो बॉयल हो चुका है, मेरे पास है 1.5 नींबू, तो फिर मैं पहले आधा ही डालूंगी, देखूंगी कि आधे से फटता है ये। पर आधा ही नींबू बहुत रहेगा। मेरा पनीर फट चुका है तो मैं निकालूंगी इसका पनीर। मैंने ले ली एक लोहे की छन्नी, और मैं कोई मसलन क्लॉथ में बड़ी छन्नी में ऐसे नहीं करूँगी, मैं धीरे धीरे करके इसी में निकाल लूँगी पनीर। तो गाइस मेरा पनीर निकल चुका है और ये थोड़ा सा गिर रहा है, पर मैं इसे फ्रीज में रखूँगी तो फिर ये सेट हो जाएगा अपने आप ही थोड़ी देर के लिए। तो गाइस मैंने ले लिए ये 3 टमाटर और 1 प्याज, तो मैं इन्हें ज़रा भी चॉप कर लूँगी, क्योंकि पहले मुझे इन्हें थोड़ा बहुत भूनना है, फिर मैं मिक्सी के जार में इन्हें पीसूंगी, जिससे इनका कच्चापन निकल जाए। तो टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं, अब मैं थोड़े से जब ये ठंडे हो जाएंगे तो मैं इन्हें मिक्सी के जार में पीस लूँगी।
तो गाइस मेरी सब्जी बन चुकी है, ऑलमोस्ट तैयार है और मैं सर्व करती हूँ इसे। ये देखिए, तो आप भी इसी तरह बना सकते हैं। गाइस अपनी उठ चुकी है और वो कार्टून देख रही है, मैंने उसको दूध पिला दिया है। और आज मेरे हेयर हो रहे हैं बहुत ही ज़्यादा गंदे, तो मैं अपने हेयर वॉश करूँगी। तो मेरे हेयर काफ़ी हैवी और थोड़े लंबे हैं, तो इसलिए इन्हें वॉश करने के लिए काफ़ी टाइम लग जाता है और सुखाने। तो गाइस मैंने हेयर वॉश कर लिए हैं अपने, और अब मैं करूँगी स्ट्रेट इन्हें। तो मेरे हेयर को सूखने में काफ़ी टाइम लग जाता है, पर मैं ड्रायर से कम ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि ड्रायर की वजह से डैंड्रफ हो जाती है काफ़ी ज़्यादा। और जहाँ तक होता है मैं नेचुरली इन्हें सूखने देती हूँ। सॉफ्ट टैन स्मूद हेयर के लिए है, तो आप देख सकते हैं मुझे कितनी ज़रूरत है सॉफ्ट टैन स्मूद हेयर की। तो फिर मैं थोड़ा सा लिबॉन लेके अपने बालों को पहले सुलझा लूँगी। तो गाइस अवनी करा रही है मेरी किचन में थोड़ी हेल्प, तो मैंने सोचा है कि आज मैं उसे एग बना के खिलाऊंगी, देखूंगी टेस्ट करती है कि नहीं। No, no.
उन्होंने हमें भी खिलाया है रात में बनाने के लिए, तो हम वहीं चलते हैं। चलो लेट्स सी क्या कर रहे हैं वो लोग। तू गली ने गोरी पागल करते सारे, तू गली ने गोरी पागल करते सारे, जदों तू नचदी नचदे सूरज चंदा तारे, जदों तू नचदी नचदे सूरज चंदा तारे। और वहीं पर हमने खूब मस्ती की, बातें की और थोड़ी जाके मूंगफली खाए, रेवड़ी खाए, बस हो गया। क्योंकि यहाँ पे कोई पंजाबी या सरदार तो है नहीं, बट्स नॉर्मल, क्योंकि अच्छा लगता है हर फेस्टिवल मनाना, तो इसलिए हमने भी मना ली लोहड़ी। तो सबको मेरी तरफ से हैप्पी लोहड़ी। तो गाइस आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और मेरा पूरे दिन का रूटीन, अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और गुड नाइट, मुझे नींद आ रही है तो मैं चाहती हूँ सोने। बाय।